जैसे अमेरिकन बैंक्स बैंकक्रप्ट हो रही है, क्या पूरा वर्ल्ड रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, इसमें भारत की क्या पोजीशन रहने वाली है? सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, अभी पूरा वर्ल्ड जिस इकोनॉमी से गुजर रहा है, जिस फेज से गुजर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अपने पूरा वर्ल्ड जो है रिसेशन के अंदर चला जाएगा? अगर आप लोग को याद हो तो 2008 में जब लेमन ब्रदर फेल हुआ था तो एक बहुत बड़ा विश्व के ऊपर संकट आया था और वो रिसेशन बहुत प्रोलॉन्ग्ड हुआ था। इसलिए अभी जिस ढंग से यूएस में बैंक्स कंटिन्यूअसली बैंकक्रप्ट हो रही है, 3 बड़ी बैंक ऑलरेडी हो चुकी है और वर्ल्ड जर्नल की न्यूज है कि हो सकता है आने वाले दिनों में 200-250 बैंक और पाइपलाइन में है बैंकक्रप्ट होने के लिए। दोस्तों, अपनी जो लाइफ थी 3-4 साल पहले, उस टाइम में अपनी लाइफ बहुत सेटल्ड लग रही थी। अब जब से ये अपना कोविड आया 2019 के अंदर, पूरी लाइफ ही एक तरह से चक्र रुक गया था जब लॉकडाउन आ गया था, और उसके बाद में अभी कमर सीधी भी नहीं हुई थी कि अपना यूक्रेन और रशिया का युद्ध आ गया और अपने पिछले 1 साल से ये कमर तोड़ रखा है और अपनी पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रखी है। इतने में अभी और एक नया कांड हो गया यूएस के अंदर। 9 मार्च को अपनी 3 बैंकें धड़ाधड़ करके बैंकक्रप्ट हो गई। सबसे पहले जो है SVB, सिलिकन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और सिल्वर गेट बैंक, ये तीनों बैंकें बहुत बड़ी बैंकें हैं। सिलिकन वैली बैंक जो है यूएस की 16th लार्जेस्ट बैंक थी और आज के दिन जो है वो मेनली जो है स्टार्टअप को लेके चल रही थी। आज अपना उसके अंदर इंडिया के भी 21 स्टार्टअप के अकाउंट हैं, उसके अंदर पेटीएम है, कारवाला है, ये सब बड़े बड़े नाम है उसके अंदर। और ये जो इसका हुआ कैसे, उसकी पूरी डिटेल लेंगे अपने। सिलिकन वैली बैंक जो है बेसिकली स्टार्टअप को लेके 1983 में स्टार्ट हुई थी, अब धीरे धीरे वो ग्रो अप हुई। अब इसका जो मेन जो प्रॉब्लम आया वो है, अब जब अपना कोविड का टाइम था तो स्टार्टअप वालों को बहुत अच्छा रुपया गेन हुआ था, क्योंकि उनकी अलग अलग टाइप की बहुत तगड़ी इनकम हुई थी उस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। तो उन लोगों ने वो अपनी जो भी एक्स्ट्रा कमाई हुई और सारे रुपया उसके अंदर रखा हुआ था, बैंक ने जो है अपना बॉन्ड लिए थे उस सेविंग्स के अंदर में। अब उस टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट चलती थी 0.5% करीब यूएस के अंदर, और अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते 4.5% पहुंच गई है और स्टार्टअप वालों का क्या हुआ, अभी बहुत खर्चे बढ़ गए, ये जो युद्ध हुआ उसके चलते उन लोगों की सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब हुई, उनकी इनकम कम हो गई, तो उन लोगों ने अपना रुपया विड्रॉ करना चालू किया। तो अब जब आदमी विड्रॉ ज्यादा करता है तो उन लोग को अपना बॉन्ड सेल करना पड़ा, जिसकी की रेट ऑलरेडी कम हो गई क्योंकि उनकी इंटरेस्ट रेट का कम का कूपन था। अब क्या है कि ये जो है धड़ाधड़ करके जब एक बार खबर बाजार में आ जाती है तो उन लोग जो है और ज्यादा उसके अंदर जाते हैं कि भैया रुपया उठा लो। इस चक्कर में क्या हुआ, जब सारे लोग पहुंच गए तो वो अपना बॉन्ड और बेच नहीं पाए और उनका जो है और घाटा जो है बढ़ता चला गया, क्योंकि आप कितना कम में बेचेंगे माल, उनका और जंक बॉन्ड की कैटेगरी में आने लग जाता है। तो इस तरीके से वो जो बैंक है वो फेल हो गई। अब यूएस फेडरल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया कि भाई अब किया क्या जाए, तो उन्होंने डिपोजिटर को एश्योर किया है कि हम आपका रुपया डूबने नहीं देंगे। इधर में जो ये सिल्वर गेट और सिग्नेचर बैंक है, इन लोग मेनली क्रिप्टो बैंक में डील करते थे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो भी आज के दिन स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही है, उसके चक्कर में ये दोनों बैंक उड़ गई। वहाँ का वॉल स्ट्रीट जर्नल जो रिपोर्ट कर रहा है उसके हिसाब से जिस ढंग से चीजें खराब हो रही है, हो सकता है 200-250 बैंक और पाइपलाइन के अंदर है जो कि हो सकता है डूब जाए इसके चक्कर में। इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा फेरबदल आ सकता है, क्योंकि यूएस वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है, वहाँ पर अगर कोई चीज गड़बड़ होती है तो उससे पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड होता है। इधर में यूरोप की भी हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है और उसका इम्पैक्ट एशिया के ऊपर भी है और इंडिया के ऊपर भी है। आज आप जब से ये कांड हुआ है तब से आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मंदी का दौर चल रहा है, और ज्यादा इंडिया में भी बैंकिंग जो स्टॉक्स है 5-15% तक भी डाउन हो चुके हैं ऑलरेडी। हो सकता है अगर स्थितियां ज्यादा खराब हो तो और भी ज्यादा खराब हो सकती है। वैसे अपने जो RBI के गवर्नर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जो हैं, वो लोग बहुत क्लियरली इस चीज को बोल रहे हैं कि अपना जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अपने इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे, इम्यून ही रहने चाहिए, लेकिन नोबडी नोज अबाउट द टुमारो।
अब हमको पुरानी चीजें याद आती है। 1929 में भी ऐसा यूएस में हुआ था जब बी बैंकें फेल हुई थी, और अपना रिसेंट हिस्ट्री के अंदर 2008 के अंदर जब लेमैन ब्रदर फेल हुआ था, तो ये वाला भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जो आज के दिन भी सबके दिमाग में है। वो कम से कम 1.5-2 साल चला था, इसलिए दोस्तों सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेफिनेटली वीडियो अच्छे बन रहे हैं तो लाइक बनता ही है, और अपने दूसरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करें, उनको भी इसका बेनिफिट दिलाएं। अगर पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड होता है तो अपने उससे परे नहीं रह सकते हैं, और अपने भी थोड़े बहुत तो उससे इफेक्टेड होंगे ही। लेकिन दोस्तों फिर भी जगह बनती है, इंडिया अभी स्ट्रांग है। अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड की अभी जो चाइना का नाम बेकार हुआ है, उनका खराब हुआ है, उसके चलते इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सावधान रहो।